हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल अबाउट में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई इस्पात संयंत्र दुर्ग छत्तीसगढ़ आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस भर्ती 2021, योग्यता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया, मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, एज लिमिट क्राइटेरिया, ट्रेनिंग पीरियड, स्टाइपेंड, इन सभी के बारे में जो है आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ में आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसशिप हेतु विभिन्न ट्रेड के व्यवसायों में कुल 500 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, जिसका अंतिम तिथि 15 दिसंबर 2020 था। जो अभ्यर्थी आवेदन किए थे, यह वीडियो उनके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि हम भिलाई इस्पात संयंत्र में विभिन्न व्यवसायों के आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस के कुल 500 पदों के चयन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी नॉलेजेबल वीडियो पोस्ट किया जाता है वह आपको पल पल मिलती रहे। दोस्तों, यह वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है, पर जानकारी से भरपूर है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ताकि कोई भी जानकारी अधूरा न रहे। इसके साथ ही आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। जिनका सिलेक्शन भिलाई इस्पात संयंत्र में आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस हेतु होगा, उनको डिपार्टमेंट की तरफ से फोन और ईमेल किया जाएगा। साथ ही लोकेशन बताया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु किस दिनांक को और कहाँ आना है। उम्मीदवार अपने ईमेल आईडी की जांच नियमित रूप से करते रहें। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिस तिथि को बुलाया जाएगा, उस तिथि को निर्धारित समय एवं स्थान पर उम्मीदवार को उपस्थित होना अनिवार्य होगा। आपके पास जो है इस प्रकार का ईमेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब बुलाया जाएगा तो आएगा। आप लोग इस तरह देख सकते हैं, यहाँ पे आईटीआई अप्रेंटिसशिप इन बीएसपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु इस प्रकार का मैसेज आपके इनबॉक्स में आएगा। साथ ही इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या साथ में आपको लेकर जाना है, इसका भी एक मेल के नीचे जो है दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस फॉर वेरिफिकेशन, इस प्रकार जो है आपको दिया होगा। यह मैं आगे के वीडियो में भी बताने वाला हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर जाना है। सबसे पहले हम योग्यता एवं पात्रता की बात करते हैं। शासकीय आईटीआई एनसीवीटी से उत्तीर्ण एवं पास होने के बीच का अंतराल 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, आवेदक ही पात्र होंगे। साथ ही जो आईटीआई अप्रेंटिस पोर्टल apprenticeshipindia.org जो नया पोर्टल है के वेबसाइट पर विज्ञापन अवधि 11/11/2020 से अंतिम तिथि 15/12/2020 के बीच आवेदन किए हों, उसके पूर्व या बाद में जो आवेदन किए होंगे वो पात्र नहीं होंगे। दूसरा, एज लिमिट। यहां उम्र सीमा का उल्लेख नोटिफिकेशन में नहीं किया गया था। तीसरे चरण में हम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं। चयन प्रक्रिया आईटीआई में प्राप्त अंकों के मेरिट बेस पर होगा, जिसमें पहले शासकीय प्रशिक्षण संस्थान एनसीवीटी से प्रशिक्षण प्राप्त आवेदकों को स्थान दिया जाएगा, उसके पश्चात गैर अशासकीय प्रशिक्षण संस्थान एनसीवीटी के आवेदकों को स्थान दिया जाएगा। यह भर्ती जो है सिर्फ एनसीवीटी से पास आउट उम्मीदवारों के लिए ही निकाली गई थी। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के उम्मीदवारों, छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि निर्धारित सीटों का कोटा चयन प्रक्रिया के दौरान नहीं भरा जा सका तो अन्य राज्य के उम्मीदवारों के आवेदन पर विचार किया जा सकता है। यहाँ कोई भी एग्जाम, लिखित परीक्षा और इंटरव्यू नहीं होगा। चयन प्रक्रिया के दौरान कोई भी यात्रा भत्ता और अन्य भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आवेदक के
पोर्टल पर भरी गई जानकारी एवं प्रत्यक्ष मूल दस्तावेजों से प्रमाणीकरण करने के पश्चात सही पाए जाने पर आईटीआई अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु एक ऑफर लेटर डिपार्टमेंट की तरफ से ईमेल पर भेजा जाता है, जिसे इसे एक्सेप्ट करना होता है, जिसके बाद आपका एक साल हेतु एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है। उसके साथ ही आपका ट्रेनिंग पीरियड शुरू हो जाता है। चयनित होने और ट्रेनिंग पीरियड शुरू होने के बाद एक बायोडाटा का फॉर्मेट डिपार्टमेंट की तरफ से देते हैं, जिसमें आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन से संबंधित डेटा फिल करके जमा करना होता है। कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होने के बाद आप एक साल तक यह ट्रेनिंग नहीं छोड़ सकते हैं। किसी स्थिति में यदि आपको यह ट्रेनिंग छोड़ना पड़ता है तो बाद में भविष्य में पुनः आईटीआई अप्रेंटिस प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सभी चीज सही पाए जाने के बाद जो ऑफर लेटर भेजा जाता है वह इस प्रकार का होता है। आप देख सकते हैं अप्रेंटिसशिप ऑफर फॉर एक्सेप्टेंस, यहाँ पे जो है एस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया होता है, साथ ही यहाँ पे जो है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग, स्टाइपेंड अमाउंट, इन दोनों का उल्लेख जब आप ये जो लिंक दिया होता है इस लिंक पर क्लिक करके ऑफर को एक्सेप्ट करेंगे तो उस समय जो है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग और स्टाइपेंड आपको कितना दे होगा वह आपको वहाँ पे शो करेगा। और साथ ही जो आपने नए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के समय डेटा फिल किए हैं वह डेटा भी आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो इस लिंक को क्लिक करके और ऑफर को एक्सेप्ट करना होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आवश्यक दस्तावेज 10वीं का अंक सूची, 12वीं का अंक सूची, आईटीआई ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, सेमेस्टर मार्कशीट, एनटीसी सर्टिफिकेट, आवेदक यदि एसटी एससी ओबीसी से आवेदन किए हों उनके लिए आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जारी किया हो कि मूल प्रति, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो लगभग 6 प्रति, बैकग्राउंड हल्के रेड में होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं फोटो कॉपी कम से कम 2 सेट साथ में स्व प्रमाणित करके रख लें। याद रखें यहाँ आपको मूल प्रति ले जाना अनिवार्य है, उसके अभाव में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मूल प्रति लेकर ही जाएं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं? आईटीआई अप्रेंटिस हेतु चयनित होने पर आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलावा तिथि के लिए 2 से 3 दिन का समय रहेगा। उसी समय के अंदर आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होता है। जैसे आपको 25 जनवरी को मेल और फोन पर जानकारी दी जाती है और 28 जनवरी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होना होता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट किसी भी शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, साथ ही शासकीय चिकित्सक का रजिस्ट्रेशन नंबर सील पर अंकित होना चाहिए अथवा चिकित्सक के लेटर हेड पर अंकित होना चाहिए। हस्तलिखित रजिस्ट्रेशन नंबर वाले प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उपलब्ध होता है, किंतु जब आप बनवाने जाएंगे तो उन्हें बताना पड़ता है कि किस चीज़ के लिए आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। आपके पास जो ईमेल डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा जाता है वह उन्हें दिखाना पड़ेगा, उसके बाद जो है आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बन जाएगा। इस तरह का जो है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है आपको बनवाना होता है, इस तरह आप देख सकते हैं। साथ ही इसमें जो बोला गया है शासकीय चिकित्सक का रजिस्ट्रेशन नंबर सील पर अंकित होना चाहिए, वह मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस प्रकार का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर सील पर अंकित होता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर CGMC 2005/08,
यह जो है वहाँ का गवर्नमेंट हॉस्पिटल अंबिकापुर का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है। इसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपके पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पे होना चाहिए। जो पेन से लिखा हुआ होता है वह मान्य नहीं होगा। इसी प्रकार का है जो है सील पर अंकित होना चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर, वही मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका वहाँ मान्य होगा। इसका आप लोग विशेष तौर पे ध्यान दे लें। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र का एक और फॉर्मेट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार जो है रहता है। ये देखिए यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन नंबर CGMC 5210/2014, यह मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बैकुंठपुर जिला कोरिया का है। तो इस प्रकार का ही जो है चिकित्सक का रजिस्ट्रेशन नंबर सील पर अंकित हो ऐसा मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। हस्तलिखित वाले बिल्कुल ना बनवाएं क्योंकि आपका जो है वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा, और रिजेक्ट होगा तो आपका परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नोटरी शपथ पत्र का प्रारूप जो है इस प्रकार का होगा। यह आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वही बताया जाएगा किस तरह बनवाना है, स्वयं के द्वारा पहले ही अपने से ना बनवाएं। यह मैं आपको दिखाने के लिए किस प्रकार का रहता है यह मैं आपको दिखा रहा हूँ, किंतु आप लोग जो है पहले से ना बनवाएं। यह आपको वहाँ डिपार्टमेंट से ही जो है बताया जाएगा कि किस तरह जो है आपको बनवाना है। ट्रेनिंग पीरियड, भिलाई इस्पात संयंत्र में ITI ट्रेड प्रशिक्षण हेतु 1 वर्ष के लिए आवेदन आमंत्रित हेतु स्थान उपलब्ध था। साथ ही 1 वर्ष के ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद भिलाई इस्पात संयंत्र किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु उत्तरदायी नहीं है। ट्रेनिंग का समय, ट्रेनिंग का समय सुबह 9 से शाम 5 बजे तक सोमवार से शनिवार तक होता है। स्टाइपेंड, ITI ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु स्टाइपेंड का निर्धारण श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा समय समय पर किया जाता है। देय होगा अनुमानित स्टाइपेंड 7,700 से 8,000 प्रति माह हो सकता है। होलीडे, 1 वर्ष के प्रशिक्षण समय में आपको राष्ट्रीय अवकाश के अतिरिक्त अन्य अवकाश भी प्रदान किया जाता है जो पूरे 1 वर्ष के लिए होता है। मेडिकल लीव 15, CL 12 और EL 10। इस प्रकार का जो है आपको लीव कार्ड जो है डिपार्टमेंट की ओर से प्रोवाइड किया जाता है। डिपार्टमेंट ट्रांसफर, जब तक आपका गेट पास बन नहीं जाता तब तक ट्रेनिंग के शुरुआत में आपके ट्रेड के अनुसार वर्कशॉप में रखते हैं। गेट पास बन जाने के बाद आप सभी को प्लांट के अंदर किस तरह ट्रेनिंग प्राप्त करना है उससे संबंधित सुरक्षा और सावधानी का सेफ्टी ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद आपके ट्रेड के अनुसार विभिन्न डिपार्टमेंट में सेफ्टी उपकरण, हेलमेट, जूता इत्यादि के साथ पोस्टिंग देते हैं। जिस डिपार्टमेंट में आपका पोस्टिंग किया जाता है वहां 3 माह पूरे पूरे होने के बाद यदि आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं तो आप HRD में संबंधित अधिकारी से संपर्क करके वर्तमान डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र किसी भी प्रकार के रहने हेतु आवास की व्यवस्था नहीं करता है। आपको समय रहने और ट्रेनिंग स्थल तक जाने की व्यवस्था करना होता है। ITI में प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान एक ड्रेस कोड होता था, उसी प्रकार भिलाई इस्पात संयंत्र में ITI अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्राप्त करने वालों का एक ड्रेस कोड होता है जो आपको वहां से बताया जाता है। आपको ड्रेस पहनकर ही प्रतिदिन डिपार्टमेंट में प्रशिक्षण हेतु जाना होता है। इस प्रकार जो है मैं कुछ फॉर्मेट जो है आपको दिखा रहा हूँ जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और भर्ती प्रक्रिया के दौरान जो है आपको इसको फिलअप करना होता है। यह जो है बायोडाटा है जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन आपको भरना होता है। साथ ही
यह आपका लीव जो मैंने पहले ही दिखा दिया था, यह आपका वेंडर कोड जनरेट होता है, उससे संबंधित जो है आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है। उसके साथ ही यहाँ पे पेमेंट निफ्टी आरटीजीएस, इससे पेमेंट से संबंधित जो है एक फॉर्मेट उपलब्ध है। यह आपको जो है अटेंडेंस का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। यह आपको जो है जिस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होता है उस डिपार्टमेंट से जो है आपको एचआरडी में हर महीने जो है अपना अटेंडेंस फिलअप करके जमा करना होता है। उसके बाद ही जो है आपका स्टाइपेंड प्रदान किया जाता है। एक साल का ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद आपको भिलाई इस्पात संयंत्र एक अनुभव सर्टिफिकेट प्रदान करता है, जिसमें आपका बेसिक जानकारी दिया होता है। उसके बाद आप सभी का सीपीटी कंप्यूटर बेस्ड टेट AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट का एग्जाम होता है, जिसमें उत्तीर्ण होने के बाद NAC नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट AITT के द्वारा प्रदान किया जाता है। इस प्रकार का अनुभव प्रमाण पत्र जो है आपको एक साल ट्रेनिंग समाप्त होने के उपरांत जो है प्रदान किया जाता है। जो अभ्यर्थी भिलाई इस्पात संयंत्र में ITI अप्रेंटिस प्रशिक्षण हेतु आवेदन किए हैं, वे सभी थोड़ा धैर्य बनाकर रखें। चयन लिस्ट अभी जारी नहीं किया गया है, जनवरी अंतिम या फरवरी मध्य के बीच में जारी हो सकता है। जैसे ही मेरिट लिस्ट जारी होगा आप सभी को चैनल के माध्यम से जानकारी प्रदान कर दिया जाएगा। एक रिक्वेस्ट है, जिनका भी सिलेक्शन हो वो कमेंट या ईमेल करके जरूर बताएं, ताकि मैं और सभी को जानकारी शेयर कर सकूं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरह आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट भिलाई स्टील प्लांट के लिए जो है 25/11/2020 को अप्लाई किया गया है, जिसमें यहाँ पे जो है स्टेटस में जो है यहाँ पे अप्लाइड ऑन और स्टेटस में जो है यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है। तो अभी इसका जो है चयन लिस्ट जारी नहीं हुआ है। चयन लिस्ट जैसे ही जारी होगा तो आपको जो है यहाँ पे स्टेटस पे कुछ अलग शो करेगा। तो इस तरह जो है आप लोग घबराए ना, अभी ये पेंडिंग ही शो करेगा, क्योंकि अभी चयन प्रक्रिया जो है शुरू नहीं हुआ है। तो जैसे ही शॉर्ट लिस्ट जारी किया जाएगा आपको जो है ईमेल और फोन के माध्यम से जानकारी वहां से प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद जो है जो प्रोसीजर मैंने वीडियो के अंदर बताया है वो सारा प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद जो है आपको यहाँ पे अलग शो करेगा। इस तरह मैंने भिलाई इस्पात संयंत्र में ITI ट्रेड अप्रेंटिस भर्ती के चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी जानकारी बताया। फिर भी आप सभी का कोई सवाल हो तो कमेंट करें, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोग तक जानकारी पहुँच सकें। आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक पेज से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।